हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं लूसेंट जीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें हमारा ज्योग्राफी सब्जेक्ट चल रहा है और उसमें आज हम डिस्कस करेंगे क्लाउड से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो आज का क्वेश्चन नंबर वन है, क्लाउड्स यूजली फॉर्म व्हेन। तो क्लाउड्स कब बनते हैं? क्लाउड्स बनते हैं जब एयर टेम्परेचर ड्यू पॉइंट तक पहुंच जाता है। ड्यू पॉइंट क्या होता है? ड्यू पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जहाँ पे जो ह्यूमिडिटी, जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है, वो 100% होती है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीज होती है। तो एयर का टेम्परेचर जब ड्यू पॉइंट तक पहुँच जाता है तो उस टाइम पे क्लाउड्स, जो कंडेंसेशन का प्रोसेस शुरू होता है, कंडेंसेशन होगी तो क्लाउड्स बनेंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ क्लाउड्स इज अ लो लेवल क्लाउड्स। अब देखो, बात करते हैं क्लाउड्स की टाइप्स की। यूजली अगर हम बात करें तो जो क्लाउड्स होते हैं वो चार तरह के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है साइरस क्लाउड्स, दूसरे आते हैं क्यूमुलस क्लाउड्स, फिर तीसरे नंबर पे आते हैं हमारे स्ट्रेटस क्लाउड्स, और चौथे नंबर पे आते हैं हमारे निम्बस क्लाउड्स, राइट। तो ये चार तरह के होते हैं क्लाउड्स। साइरस क्लाउड्स कौन से होते हैं? साइरस क्लाउड्स होते हैं जो हाई लेवल के क्लाउड्स होते हैं, जिनकी हाइट सबसे ज़्यादा होती है, वो होते हैं साइरस क्लाउड्स। और इनकी अगर हम देखें साइरस क्लाउड्स को, तो साइरस क्लाउड्स हमें देखने में फैदरी अपीयरेंस होती है, इनके फैदर टाइप लगते हैं, जैसे किसी पक्षी के पंख होते हैं तो फैदर्स की तरह ये दिखाई देते हैं, और यूजली वाइट कलर के होते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखाया हुआ है। देखो यहाँ पे ये फैदरी अपीयरेंस है जो साइरस क्लाउड्स है, और ये वाइट कलर के होते हैं, ठीक है, और हाई क्लाउड्स होते हैं। फिर क्यूमुलस की अगर हम बात करें तो जो क्यूमुलस क्लाउड्स होते हैं ये कॉटन वूल की तरह होते हैं, जैसे कॉटन बॉल्स होती है ना, वैसे दिखाई देते हैं क्यूमुलस क्लाउड्स, और ये पैचेस में होते हैं और इनका फ्लैट बेस होता है, जैसे ये रहे क्यूमुलस क्लाउड्स, ठीक है, ये ऐसे लगता है जैसे कॉटन बॉल्स होती है इन, और इनका जो बेस होता है ये बिल्कुल फ्लैट होता है, राइट, और ये पैचेस में है। जैसे देखो यहाँ पे ऑल्टो क्यूमुलस की बात करें तो ये कहाँ पे है? देखो ये पैचेस में यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। साइरो क्यूमुलस की बात करें तो यहाँ पे भी ये पैचेस में दिखाई दे रहे हैं। साइरस क्लाउड्स, जैसे जो साइरो का मतलब क्या होता है? हाई, तो साइरस हाई क्लाउड्स होते हैं। ऑल्टो, ऑल्टो मीन्स मिडल, जो बीच में मिडल लेवल पे होते हैं उनको बोलते हैं ऑल्टो क्लाउड्स, ठीक है। जैसे ऑल्टो क्यूमुलस मतलब ये इनकी जो हाइट है वो मीडियम सी हाइट होगी। ऑल्टो स्ट्रेटस हो गया, ऑल्टो मीन्स मीडियम हाइट के हैं, ठीक है। और फिर सबसे नीचे वाले क्लाउड्स आ जाते हैं। स्ट्रेटस की बात करें, स्ट्रेटस क्लाउड्स कौन से होते हैं? जो लेयर्स की फॉर्म में होते हैं, स्ट्रेटस स्ट्रेटस होते हैं। स्ट्रेटस का मतलब क्या होता है? लेयर्स। तो जो लेयर्स की फॉर्म में होते हैं उनको बोलते हैं स्ट्रेटस क्लाउड्स। और ये जो स्ट्रेटस क्लाउड्स होते हैं, इसमें जो दिन होता है वो ठंडा ही रहता है, चिली डे होता है, ज़्यादा इसमें गर्मी नहीं होती, ठीक है। जैसे ये रहे स्ट्रेटस क्लाउड्स, ये एक लेयर सी बन रही है। अगर हम बात करें स्ट्रेटो क्यूमुलस की, तो ये देखो ये क्यूमुलस की फॉर्म में ही इसकी लेयर्स बन रही है। तो जो स्ट्रेटस क्लाउड्स होते हैं ये यूजली लेयर्स की फॉर्म में होते हैं। फिर लास्ट आते हैं निम्बस क्लाउड्स। जो निम्बस क्लाउड्स होते हैं ये लो ऑल्टीट्यूड पे होते हैं, बहुत ज़्यादा हाइट पे नहीं होते ये वाले क्लाउड्स, और ये सनलाइट को पूरी तरह से ब्लॉक कर देते हैं। जैसे काले घने बादल होते हैं ना, वो कौन से होते हैं? वो निम्बस क्लाउड्स ही होते हैं। पूरी की पूरी सनलाइट को ये ब्लॉक कर देते हैं, और निम्बस क्लाउड्स की वजह से ही हैवी रेनफॉल होती है और थंडरस्टॉर्म्स आते हैं। जो थंडरस्टॉर्म्स आते हैं या फिर हैवी रेनफॉल होती है, ये होती है निम्बस क्लाउड्स की वजह से ही होती है हैवी रेनफॉल, राइट। तो ये है हमारे फोर टाइप के क्लाउड्स। बाकी ऑल्टो का मतलब मिडल होता है, साइरस का मतलब हाई होता है। तो साइरस से जैसे साइरो क्यूमुलस हो गया, ये क्या है? हाई क्लाउड्स है। ऑल्टो क्यूमुलस हो गया, मतलब इनकी जो हाइट है मीडियम सी होगी, बहुत ज़्यादा नहीं होगी। ऑल्टो स्ट्रेटस लेयर्स की फॉर्म में है, लेकिन इनकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है, मीडियम सी हाइट में है, ठीक है। अब चलते हैं वापस अपने क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ क्लाउड इज अ लो लेवल क्लाउड्स। अब देखो इसमें से साइरस का मतलब क्या था? मैंने बताया था हाई, तो ये साइरस क्लाउड्स हो गया, सारो क्यूमुलस हो गया, ये हाई क्लाउड्स है। स्ट्रेटो क्यूमुलस, ऑल्टो, ऑल्टो का मतलब मिडिल में है, तो ऑल्टो क्यूमुलस क्या है? मीडियम लेवल के होंगे। लो लेवल के कौन से हैं? वो है स्ट्रेटो क्यूमुलस। तो ऑप्शन सी आ जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट चलते हैं,
Dash is a type of cloud that is tall, dense and involved in thunderstorm and other intense weather phenomena. तो कौन से clouds हैं जो वैसे normal conditions में देख अगर हम उनको देखते हैं तो बहुत height तक जाते हैं, बहुत dense होते हैं और उनकी वजह से thunderstorms आते हैं और heavy rainfalls होती है. तो वो है हमारे cumulonimbus clouds जिसके बारे में अभी हमने बात करी थी. ये रहे cumulonimbus clouds. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? हाई क्लाउड्स, मिडल एंड लो. तो सेम जिनके बारे में अभी हम बात कर चुके हैं. हाई क्लाउड्स कौन से होते हैं? साइरस वाले. ये साइरस हो गया, साइरोक्यूमुलस हो गया, साइरोस्ट्रेटस हो गया, ये सारे हाई क्लाउड्स है. मिडल ऑल्टो, ऑल्टोस्ट्रेटस हो गया, ऑल्टोक्यूमुलस हो गया, ये मिडल वाले हैं. लो क्लाउड्स कौन से हैं? क्यूमुलस, स्ट्राटोक्यूमुलस, निम्बोस्ट्रेटस एंड स्ट्रेटस, ये सारे लो क्लाउड्स हैं. तो आंसर आ जाएगा ऑल दी अबव, क्योंकि सारी की सारी स्टेटमेंट्स ही सही है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाउड आर समटाइम्स कॉल्ड फेयर वेदर क्लाउड्स बट कैन ग्रो इंटू मोर स्टॉर्म कंडीशंस एंड कंटिन्यू अपवर्ड ग्रोथ जस्ट शावर लेटर इन द डे. अब पहले देखने को मतलब दिन टाइम ठीक ठाक मौसम होता है, लेकिन एकदम से होता क्या है, स्टॉर्म कंडीशंस, स्टॉर्म कंडीशन आ जाती है, बहुत घने बादल छा जाते हैं और उसके बाद फिर बारिश भी होती है. तो ये कौन से क्लाउड्स की जो है, कौन से क्लाउड टाइप में होता है? ये होता है क्यूमुलस क्लाउड्स में. नेक्स्ट असर्शन, क्लाउड्स फॉर्म व्हेन ड्यू पॉइंट ऑफ वाटर इज रीच्ड इन द प्रेजेंस ऑफ कंडेंसेशन न्यूक्लाई इन द ट्रॉपोस्फेयर. क्लाउड्स कब बनते हैं? जब वाटर वेपर की कंडेंसेशन होती है, जब उसका टेम्परेचर ड्यू पॉइंट तक पहुंच जाता है, उसके बाद कंडेंसेशन होती है तो क्लाउड्स बनते हैं. तो असर्शन वाली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. रीजन में क्या है? एटमोसफेयर इज अ डायनेमिक सिस्टम एंड लोकल कंडीशन ऑफ टर्बुलेंस, अपलिफ्ट एंड अदर पैरामीटर्स गिव राइज टू मैनी टाइप्स ऑफ क्लाउड्स. अब देखो, हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो चेंज होता रहता है. ऐसे नहीं है कि हर जगह पे एटमॉस्फेरिक कंडीशन जो है हर टाइम पे सेम ही रहेगी, ऐसा नहीं होता. एटमॉस्फेरिक कंडीशंस चेंज होती रहती है, जो विंड स्पीड है, जो विंड टाइप है, वो भी चेंज होती रहती है. तो ये सारे पैरामीटर्स चेंज होने की वजह से ही जो क्लाउड्स होते हैं वो अलग अलग तरह के क्लाउड्स बनते हैं. तो रीजन वाली स्टेटमेंट भी सही है. बट ये जो रीजन वाली स्टेटमेंट है, ये असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. राइट, तो ऑप्शन बी आ जाएगा आंसर. ए एंड आर आर करेक्ट, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट्स इंडिविजुअली सही है. नेक्स्ट, परसेंटेज ऑफ रेडिएंट एनर्जी रिफ्लेक्टेड बैक बाय सरफेस इज कॉल्ड एल्बिडो. तो लास्ट वीडियो में जो हमने एल्बिडो के ही क्वेश्चन सारे डिस्कस करे थे, तो वहाँ पे हमने एल्बिडो की डेफिनेशन भी करी थी कि एल्बिडो होता क्या है, कि जो भी सन लाइट अर्थ पे पहुँचती है, सन की रेडिएशन अर्थ पे पहुँचती है, कुछ अर्थ अब्जॉर्ब कर लेती है, कुछ रिफ्लेक्ट बैक कर देती है. जो रिफ्लेक्ट बैक होती है रेडिएशन, उनको क्या बोलते हैं? एल्बिडो बोलते हैं. नेक्स्ट, मैच लिस्ट वन विद टू लेयर्स ऑफ एटमोसफेयर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स. फर्स्ट है स्ट्राटोस्फियर, टेम्परेचर डिक्रीज विद इंक्रीजिंग हाइट. अब देखो, हाइट के साथ टेम्परेचर कौन सी लेयर में डिक्रीज करता है? ये डिक्रीज होता है ट्रॉपोस्फेयर में. तो ट्रॉपोस्फेयर कहाँ पे है? सी में. तो फर्स्ट मैच होएगा सी के साथ. सेकंड क्या है? अरोरा बोरियालिस एंड अरोरा ऑस्ट्रेलिस आर. ये क्या है? अरोरा बोरियालिस एंड ऑस्ट्रेलिस. अरोरा बोरियालिस बोलते हैं नदरन लाइट्स को, और अरोरा ऑस्ट्रेलिस बोलते हैं सदरन लाइट्स को. और ये जो नदरन और सदरन लाइट्स होती है, ये कहाँ पे, कौन सी लेयर में प्रोड्यूस होती है? ये प्रोड्यूस होती है आयनोस्फेयर की लेयर्स में. नेक्स्ट, इसको मैच करेंगे हम डी के साथ. कंटेन्स मच ऑफ द टोटल एटमोस्फेरिक ओजोन. ओजोन की लेयर कौन सी लेयर में है? एटमोस्फेयर की स्ट्राटोस्फेयर में है. तो इसको मैच करेंगे हम ए के साथ. एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड हीलियम फ्रॉम द टेनियस एटमोस्फेयर. अब देखो, बहुत हाइट पे जाकर एटमोस्फेयर क्या हो जाता है? थिन हो जाता है. वहाँ पे थोड़ी बहुत ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या हीलियम जैसी गैसेस ही बचती है. तो ये सबसे जो लास्ट वाली लेयर एटमोस्फेयर की कौन सी है? वो है एक्सोस्फेयर. ये आ जाएगा बी के साथ, मैच हो जाएगा. नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. कन्वेक्टिव टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन इज एसोसिएटेड विद टावरिंग क्यूमुलस एंड क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स. अब ये जो कन्वेक्शन टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन है, जिसको कन्वेक्शनल रेनफॉल बोलते हैं, कन्वेक्शनल रेनफॉल कौन से क्लाउड्स की वजह से होती है? ये होती है क्यूमुलस एंड क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स की वजह से. इन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, क्यूमुलोनिम्बस सेल्स बिकम ऑर्गेनाइज्ड अराउंड द सेंटर इन स्पाइरलिंग
बैंड्स। अब देखो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कैसे चलते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में कुछ इस तरह का ऐसे गोल 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 घूमता है ऊपर को, तो इसमें क्या बनता है, एक स्पाइरलिंग बैंड सा बन जाता है, जैसे कि क्यूमुलोनिम्बस सेल, जिसको बोलते हैं क्यूमुलोनिम्बस सेल्स। जैसे हमने क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स देखे थे, ऊपर तक थे ना जो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स थे, ये भी हाइट ऑल्टीट्यूड लोअर ऑल्टीट्यूड से ही शुरू हो जाते थे, लेकिन बहुत ऊपर तक जाते थे ये बादल, बहुत ऐसे ऊपर तक थे। तो सेम वैसे ही ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में होता है, इसमें स्पाइरलिंग बैंड्स होते हैं जिनमें क्यूमुलोनिम्बस सेल्स जो है एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे में ऊपर को मूव करते हैं। नहीं तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट्स ही करेक्ट है, आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी बोथ वन एंड टू। नेक्स्ट, कोलिजन कोलेसेंस प्रोसेस ऑफ प्रेसिपिटेशन इज एप्लीकेबल टू। कोलिजन कोलेसेंस प्रोसेस क्या होता है, कोलिजन कोलेसेंस प्रोसेस होता है कि जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती है ना, वाटर ड्रॉपलेट्स आपस में जो है जुड़ती है, आपस में इकट्ठी होती रहती है, कंडेंसेशन होती है, वाटर ड्रॉपलेट्स आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती रहती है। अब धीरे धीरे जब ये वाटर ड्रॉपलेट्स आपस में मिलती है तो एक पॉइंट ऐसा आ जाता है जब ये और ज़्यादा वेट होल्ड नहीं कर सकती, और उसके बाद क्या होता है, प्रेसिपिटेशन होती है, बारिश होती है, जिसको बोलते हैं कोलिजन कोलेसेंस फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन। तो ये कौन से क्लाउड्स में होती है, ये तब होती है जब क्लाउड्स जो है वो फ्रीजिंग लेवल से ऊपर नहीं जाते, तब होती है कोलिजन कोलेसेंस फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन। तो ये कहाँ पे होती है, क्लाउड्स दैट डोंट एक्सटेंड बियॉन्ड फ्रीजिंग लेवल। नेक्स्ट, क्लाउड्स आर फॉर्म्ड बाय, क्लाउड्स कैसे बनते हैं, वाटर वेपर की कंडेंसेशन से बनते हैं, तो ऑप्शन ए आ जाएगा आंसर, कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर इन द एटमोसफेयर। वट इज अ क्लाउड, क्लाउड क्या है, क्लाउड इज अ काइंड ऑफ मिस्ट। मिस्ट में क्या होता है, मिस्ट में अर्थ के सरफेस के पास ही जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती है उनकी कंडेंसेशन होती है, जिससे क्या है, विजिबिलिटी हमारी जो है वो कम हो जाती है, एटमोसफेयर की जो विजिबिलिटी है वो कम हो जाती है, हमारी नहीं कम होती, एटमोसफेयर की जो विजिबिलिटी है वो कम हो जाती है। और उसके बाद क्या होता है, जो अर्थ होती है ना, अर्थ पे वाटर की छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स आ जाती है, ठीक है, एक काइंड ऑफ प्रेसिपिटेशन ही होती है उसमें मिस्ट में। लेकिन मिस्ट वाल जो होता है ये ग्राउंड के सरफेस के पास ही होती है। क्लाउड्स कहाँ पे बनते हैं, क्लाउड्स थोड़ी हाइट पे बनते हैं, हाइट पे बनते हैं, तो प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में प्रॉपर यहाँ पे रेनफॉल होती है क्लाउड्स में। तो क्लाउड क्या है, इट्स अ काइंड ऑफ मिस्ट। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ क्लाउड्स फॉर्म्ड इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर हाइट फ्रॉम द ग्राउंड। तो ग्राउंड के जो बिल्कुल पास वाले क्लाउड्स थे वो कौन से थे, क्यूमुलस क्लाउड्स, फिर ऊपर आगे स्ट्रेटस क्लाउड्स, और जो हाई क्लाउड्स थे वो थे साइरस क्लाउड्स। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, थंडरस्टॉर्म्स ओरिजिनेट्स फ्रॉम, अब ये जो थंडरस्टॉर्म्स ओरिजिनेट होते हैं ये कौन से क्लाउड्स में होते हैं, ये होते हैं निम्बस क्लाउड्स में। तो आंसर आ जाएगा क्यूमुलोनिम्बस, ऑप्शन डी। रेन बियरिंग क्लाउड्स लुक ब्लैक बिकॉज, अब देखो जो क्लाउड्स होते हैं जिनकी वजह से, जो हमने पढ़ा था निम्बस क्लाउड्स है, बिल्कुल ऐसे काले घने बादल होते हैं। क्यों काले होते हैं, काले घने बादल कैसे दिखाई देते हैं हमें, क्योंकि ये जो रेन बियरिंग क्लाउड्स होते हैं ना, ये लाइट को स्कैटर कर देते हैं, जो भी लाइट इनके साथ टकराती है उसको ये स्कैटर कर देते हैं, जिसकी वजह से ये काले रंग के दिखाई देते हैं। नेक्स्ट, ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म द थंडर इन द स्काईज इज प्रोड्यूस्ड बाय, थंडर क्या होता है, यहाँ पे थंडर का मतलब है कि जो बादल गरजते हैं, जब बादल गरजते हैं तो आवाज़ आती है ना गरजने की, तो वो आवाज़ क्यों आती है, क्वेश्चन हमारा ये है कि वो आवाज़ क्यों आती है थंडर स्टॉर्म के टाइम पे, पहले बिजली चमकती है उसके बाद बादल गरजने की आवाज़ आती है, तो वो जो आवाज़ आती है वो क्यों प्रोड्यूस होती है। अब देखो थंडर स्टॉर्म के टाइम पे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है ना, वो इलेक्ट्रिसिटी होती है अप्रॉक्सीमेटली 100 मिलियन से लेकर 1 बिलियन वोल्ट तक की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। अब जब इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट, इतनी हाई वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, तो उससे क्या होता है, उससे जो एयर का टेम्परेचर है ना, वो अप्रॉक्सीमेटली 50,000 डिग्री फारेनहाइट तक बढ़ जाता है। तो एकदम से ये जो टेम्परेचर इंक्रीज होता है ना, तो इसकी वजह से साउंड वेव्स जनरेट होती है, साउंड वेव्स जनरेट होती है, तो हमें थंडर की आवाज़ सुनाई देती है, राइट। तो यहाँ पे आप देखो ऑप्शंस क्या दे रखे हैं इन्होंने, मीटिंग ऑफ क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स इन द स्काई, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स की वजह से ये थंडर जो साउंड है वो प्रोड्यूस नहीं होती, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन रॉन्ग है। लाइटनिंग दैट सेपरेट्स द निम्बस क्लाउड्स, सेकेंड भी रॉन्ग है।
वायलेंट अपवर्ड मूवमेंट ऑफ एयर एंड वाटर पार्टिकल्स, दैट्स ऑल्सो रॉन्ग स्टेटमेंट. तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव प्रोड्यूसेस द थंडर. नेक्स्ट, द क्लाउड्स एक्सटेंडिंग फ्रॉम वन साइड ऑफ हॉरिजॉन टू अदर एज ए डार्क ग्रे शीट हैविंग यूनिफॉर्म बेस आर कॉल्ड, इसको बोलते हैं स्ट्रेटस क्लाउड्स. क्लाउड्स के बारे में हम स्टार्टिंग में ऑलरेडी पूरे के पूरे क्लाउड्स का मैं आपको बता चुकी हूँ, इसलिए यहाँ पे हम फटाफट से आगे जा रहे हैं. क्लाउड बर्स्ट इज एसोसिएटेड विद, क्लाउड बर्स्ट कौन से क्लाउड्स में होता है, ये होता है क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स में. तो ऑप्शन बी आ जाएगा इसका आंसर. विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ क्लाउड्स रेयरली फॉर्म एट हाइट लोअर देन 5000 meters, तो ये कौन से है, ये है निम्बोस्ट्रेटस क्लाउड्स. तो ऑप्शन डी आ जाएगा इसका आंसर. Which of the following is not a low cloud? Low cloud कौन से नहीं होते, Cirrostratus, इसमें आ जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि इन चारों में से हमने बताना है कि low clouds कौन से नहीं है. Cirro का मतलब ही क्या होता है, high, तो cirrus clouds जो होते हैं high clouds होते हैं, तो Cirrostratus क्या है, ये भी high clouds है. तो बाकी सारे जो है इससे जो है कम height पे ही होते हैं. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कॉलिजन कॉलिसेंस प्रोसेस ऑफ प्रेसिपिटेशन इज एप्लीकेबल टू, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया, दोज क्लाउड्स विच डोंट एक्सटेंड बियॉन्ड द फ्रीजिंग लेवल. तो ऑप्शन डी आ जाएगा इसका आंसर. द क्लाउड्स फ्लोट इन एटमोसफेयर बिकॉज ऑफ देयर लो डेंसिटी, लो डेंसिटी की वजह से जो हमारे क्लाउड्स है वो एटमोसफेयर में फ्लोट करते हैं. नेक्स्ट, साइरस क्लाउड्स आर, साइरस क्लाउड्स कौन से क्लाउड्स हैं, ये है हाई क्लाउड्स. तो ऑप्शन सी आ जाएगा आंसर. राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे. तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना. थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे.